दोस्तों बात करने की कोशिश करते हैं साइट्स के बारे में जो फोर्स में आया था 1975। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन है ये ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड स्पीशीज का उसको रेगुलेट करने के लिए इस संस्था को बनाया गया। यह काम करती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ये साइट्स में तीन अपेंडिक्स आते हैं। पहले अपेंडिक्स में वो स्पीशीज आती हैं जिनको एक्चुअल में एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। सेकेंड अपेंडिक्स में वो स्पीशीज आती हैं जिनको अभी एक्सटिंक्शन का थ्रेट नहीं है मगर इनको रेगुलेट नहीं किया गया इनके इंटरनेशनल ट्रेड पे तो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। मगर अपेंडिक्स थ्री एक रेंज कंट्री का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर कोई एक ऐसी स्पीशी है जो दो देशों के बीच में मूव करती है तो कोई भी एक देश इनिशिएटिव ले सकता है और बोल सकता है कि थर्ड अपेंडिक्स में उस स्पीशी को डाल दिया जाए।